यह सीकर जिले के छोटे से गांव बेरी की रहने वाली संतोष देवी खेदड़। संतोष देवी आज इलाके के किसानों के लिए रोल मॉडल बन चुकी है। इन्होंने अपने पति रामकर्ण खेदड़ साथ मिलकर 5 बीघा बंजर जमीन पर अनार सेब और फलदार फलों की खेती कर अपनी पहचान बनाई है। इससे संतोष देवी सालाना 40 लाख रुपए की कमाई कर रही है। सीकर के रहने वाली संतोष देवी आज मैच 5 बीघा जमीन से सालाना 40 लाख रुपए की कमाई कर रही है। क्या करते थे, हमारी जो ये बंजर जमीन पड़ी थी तो इसमें कुछ नहीं होता था, तो हमने ये सोचा क्यों ना हम अनार के पेड़ लगाएं, 5 बीघा में लगा रखे हैं। और इसके साथ ही हमने जब इनकी केयर की तो धीरे धीरे हमने देखा कि हमें इसे जैविक तरीके से करना है, क्योंकि रसायन डालेंगे तो हमारी खेती है ये बंजर है तो बंजर ही बन के रह जाएगी। तो हमने इसको जैविक तरीके से अपने इस खेत में ही हरे किसान भाइयों को प्रशिक्षण देते हैं कि पेड़ को कैसे लगाना है, कैसे निराई गुड़ाई करनी है, कैसे उसमें खाद डालनी है। और एक हम ये बताते हैं कि भाई अगर किसान भाई पेड़ लगाता है तो उसे ड्रिप सिस्टम जरूर लगाना होगा, क्योंकि पानी का स्तर वो नीचे जा रहा है, इसलिए पेड़ को सिर्फ नमी ही चाहिए, इसलिए हमें ड्रिप सिस्टम लगाना पड़ेगा। और एक हमें जैविक खेती में जरूर आना पड़ेगा, रसायन को छोड़ना। सीकर के बेरी गांव शुष्क इलाकों में शामिल है और यह भूजल स्तर बहुत नीचे चला गया, जमीन रेतीली हो चुकी है। इस गांव में 5 बीघा जमीन पर संतोष देवी की नर्सरी और फलों के बाग है। संतोष देवी और उनके पति रामकर्ण को विरासत में यह 5 बीघा बंजर जमीन मिली थी और उसी जमीन पर दोनों ने जीतोड़ मेहनत की और अनार सेब और अन्य फलदार पौधे लगाए। उसी जमीन पर अब सेकाउटी कृषि फार्म और नर्सरी सेंटर चल रहे हैं और यह संतोष और रामकर्ण की मेहनत का नतीजा है। संतोष के पति रामकर्ण ने बताया कि साल 2008 में करौली में होमगार्डी नौकरी दौरान उन्हें एक सीनियर अधिकारी ने उसे अपने बगीचे में ले गए और बगीचे में उन्होंने अनार के पेड़ देखे और वहीं से रामकर्ण को यह आइडिया आया और इसमें उनका साथ उनकी पत्नी संतोष देवी ने दिया। संतोष देवी और रामकर्ण इलाके के दूसरे किसानों को अब ऑर्गेनिक खेती की ट्रेनिंग देते हैं। उन्हें बताते हैं कम जमीन में ऑर्गेनिक खेती कर लाखों रुपए कमाए जा सकते हैं। बेरी गांव का यह किसान दंपति इलाके के किसानों का रोल मॉडल बन चुका है।